हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम आ गए फिर से और एक नई कस्टम रूम वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग सब? तो पहले मैं इंट्रो करा दूं, इस चैनल पे हम लोग गेमिंग रिलेटेड पोस्ट डालने वाले हैं और इस चैनल पे हमारा मेन फोकस होगा पबजी मोबाइल कस्टम रूम्स पे। अगर आप भी चाहते हो प्रैक्टिस करना तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप। गाइस, अगर आपको TDM का मैंने बता दिया था पिछले मैच में, लेकिन फिर भी वापस से बोल देता हूँ मैं, आपको कुछ नहीं करना है, खाली रजिस्टर करना है और डेली कस्टम्स खेलना है। हम आपकी टीमों को इनवाइट करेंगे कस्टम रूम मैचेस के लिए। और गाइस, आप बता सकते हो अगर आप लोग एरेंगल खेल के पक गए होंगे तो हम दूसरे मैप का भी ट्राई करेंगे रूम्स, क्योंकि एरेंगल के बहुत सारे हो गए, एक हफ्ता होने आ गया एरेंगल खेल के। तो आप बता सकते हो, आपके ऊपर ही है सब, आप जैसा चाहो वैसा ही होगा। और अब आप देख सकते हो सारे बंदे तैयार हो के आ चुके हैं, अब प्लेन उड़ने के लिए बस निकलने वाला है, टेक ऑफ करेगा अब थोड़ी देर में, 15 सेकेंड टू गो। अरे प्लेन देखते हैं हम आज किन किन टीमों की फाइट होगी, क्या क्या नया देखने को मिलेगा हमें, क्या क्या एपिक क्लचेस क्या हमें आज भी देखने को मिलेंगे, या फिर क्या आज नए विनर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें। और फ्लाइट पाथ निकलते हुए मीरामार से आते हुए प्लेन इरेंगल में, और हमें शायद ये जॉर्जो पुल की ओर से जाते हुए प्लेन, जो कि वेस्टर्न साइड है। और ये प्लेन धीरे धीरे जाते हुए, अब टीमें भी उतरना स्टार्ट कर देंगी। और एक केटोस के बंदे अभी तक प्लेन में ही, मुझे लगा उतर गए। बाकी टीमों ने लैंड करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी टीमें आप देख सकते हो जॉर्जो सिटी की ओर जाते हुए, मोस्ट ऑफ द टीम उधर ही उतरी लग रही है, कॉन्सेंट्रेटेड हो गए है वहाँ पर। बाकी टीमों ने भी लैंड करना स्टार्ट कर दिया है, गटका की ओर एक टीम जाते हुए, बोचिंगी की ओर टीमें अभी उतरते हुए, और टीम हाइना एज यूजुअल स्कूल की ओर जाते हुए। आजकल अपार्टमेंट्स में बहुत फाइट्स होती है, आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपार्टमेंट्स में बहुत सारी फाइटें हुई है। बाकी टीम में भी स्प्लिट हो रही है अब, और वाइल्ड की स्क्वाड जार्की में जाते हुए सेफ खेलना चाह रही है मैच, और मिलिट्री में भी और ये स्कूल में बंदे उतरते हुए अपार्टमेंट्स में, जो कि टीम हाइना का स्क्वाड है। अब ये भी लूटेंगे आराम से, सारी टीमें लगभग लैंड कर चुकी है, कुछ टीमें ग्लाइड करके दूर जाते हुए यासनाई की साइड जाते हुए टीमें। अरे सुबोध ने नॉक कर दिया है हाइड्रा को फिनिश करते हुए, बहुत ही प्यारा। 420 कुलाल ने साहिल को नॉक कर दिया है, सुबोध को भी नॉक होते हुए, सुबोध भी नॉक हो चुके हैं। क्या सुबोध को रिवाइव मिलेगा? और रिवाइव मिलते हुए बच गई है जस्ट क्लच, और पुश करते हुए बहुत ही प्यारा क्लच फिनिश करते हुए सुबोध की टीम के दोनों बंदे, और IGL बीस्ट ने नॉक कर दिया एक बंदे को, केटोस पांडा ने फिनिश किया, और ये एपेक्स केटोस ने नॉक कर दिया केटोस के ओम को, और 420 कुणाल ने भी नॉक कर दिया जी आदित्य को, 420 कुणाल ने फिनिश करते हुए जी आदित्य को, केटोस के ओम अभी भी नॉक पड़े हैं, चाहेंगे इन्हें रिवाइव मिले, इनके बंदूकों के पास गन नहीं है, कट्टा चलाते हुए सामने मिस्टर फिनिक्स भी नॉक है, और 420 के कुणाल भी नॉक होते हुए, SKS चला रहे हैं K2S के डीमन, CF4 वाइपर ने हाइना में के सिद्धेश बुतकर को नॉक कर दिया है, टीम हाइना के केटोस ओम को रिवाइव मिल चुका है, और ये शनाया ने नॉक कर लिया हाइना एमया को, रिवाइव मिलते हुए फिनिश करते हुए हाइना एमया को, सिद्धेश बुतकर नॉक पड़े अभी भी, इन्हें रिवाइव मिल जाएगा शायद, एनर्जी ड्रिंक लगाते हुए एट्रियस अब मूव करते हुए टीम हाइना गाड़ी लेकर, सिद्धेश बुतकर टीम से अपनी थोड़ी सी दूर है, चाहेंगे जल्दी से इन्हें रिवाइव मिले। स्कूल में भी एक टीम है रेज की टीम, ये भी आराम से लूट रही है स्कूल, और बंदे स्पॉट करना चाह रहे हैं,
देख सकते हो ये पबजी की ग्लिच हो रही है, इसके वजह से आपको ये लग रहा होगा ट्रेडमिल पे भाग रहा है बंदा। वाइल्ड का स्क्वाड अपार्टमेंट एज यूजुअल होल्ड करते हुए, इनके सामने ही रेज का स्क्वाड है जो कि मेन स्कूल में है। जेठालाल ने नॉक कर दिया आरआरक्यू अमन को, आरआरक्यू करण को, और आनंदू ने भी नॉक कर लिया है K2S के डीमन को। देख सकते हो आप, एपेक्स क्रेटोस ने नॉक कर दिया K2S के ओम को। अब बहुत प्रॉब्लम में आ चुकी है K2S की टीम, उनके सामने टीम में बफोर है, वो अभी चाहेंगे पुश करना। दो बंदे नॉक कर लिए हैं, इनके पास लूट की बहुत कमी है K2S की टीम के पास। जेठालाल फिनिश करते हुए आरआरक्यू करण को, जेठालाल ने नॉक कर दिया VRD को, होल्ड करते हुए इस घर में। इनके नीचे टीम में फोर है, इन्हें पता नहीं पेट पे DPP लेते हुए एक बंदे, टीम नंबर फोर के चारों बंदे नीचे DPP लेते हुए। इस लूट की बहुत कमी है K2S के प्लेयर्स के पास, ये भी चाह रहे हैं अभी स्पॉट करना टीम नंबर फोर के प्लेयर्स। दोनों बंदों को रिवाइव मिल चुका है, सिद्धेश बुतकर को भी रिवाइव मिल चुका है, वो फर्स्ट हेड पॉप इन करते हुए। ये स्कूल के बाजू वाले कंपाउंड्स में लूटते हुए टीम आए ना, AKM मिल गई इन्हें एट्रियस को, चाहेंगे थोड़ी और अच्छे से लूट करके फाइट, तब फाइट ले। थ्री मैन स्क्वाड है ये, थ्री मैन हो चुके हैं अब, इनका एक प्लेयर अर्ली एग्जिट ले चुका है। आनंदू ने नॉक कर लिया और एक प्लेयर को, आनंदू ने फिनिश करते हुए बॉस बेरी को। एपेक्स क्रेटोस को देख सकते हो आप, तीन किल किए इन्होंने। डार्क निक ने भी नॉक कर दिया हाइपर बीस्ट को, मिस्टर फिनिक्स नॉक होते हुए, बहुत बार नॉक हो चुके हैं मिस्टर फिनिक्स। DP चलाते हुए आनंदू, नीचे जाते हुए डैमेज पड़ा आनंदू को, लेकिन उन्होंने भी बहुत डैमेज दिया सामने वाले प्लेयर को। अब बैंडेज लगाते हुए सामने वाले प्लेयर ने भी हेल्थ पूरी कर ली है। रिवाइव मिलते हुए मिस्टर फिनिक्स को फिर से एक बार, KTOS के स्कल फिनिश होते हुए, बहुत जल्दी फिनिश हो गए। रिलोड करते हुए अब गन को आनंदू, TPP लेते हुए बंदों पर, स्पॉट करना चाहेंगे। वो मूव कर चुका है टीम नंबर 25 का बंदा, लेफ्ट साइड से मूव कर चुका है, इनके सामने स्क्वाडर्स के सामने आ चुका है। एपेक्स क्रेटोस ने स्पॉट कर लिया शायद उसे, फुटप्रिंट्स आ गए होंगे ऑब्वियसली, अब तक चाहेंगे अब इसे फिनिश करना। स्पॉट कर लिया, फिनिश करते हुए एपेक्स क्रेटोस टीम नंबर 25 के लास्ट बंदे को, बहुत ही प्यारा मिस्टर फिनिक्स फिर से नॉक हो गए, तीन बार नॉक हो चुके हैं इस मैच में। अब इन्हें रिवाइव मिलते हुए जुबजुब अब्दुल ने नॉक कर लिया TNT रियास को, रेक्ट के बंदे भी मूव करते हुए। स्क्वाडर्स पे एक स्क्वाड है इनके सामने, और ये जुबजुब गैंग के सामने ही टीम गेट पर स्क्वाड है और नॉक कर लिया है जुबजुब सिंह गेट के AK को, चाहेंगे फिनिश करना लेकिन कवर में आ चुके हैं फेट के AK। अब पुश करेंगे जुबजुब गैंग के प्लेयर्स, अब्दुल ने एक अलग एंगल बनाया है लेकिन थर्ड पार्टी हो सकता है अब्दुल। राइट साइड में भी स्क्वाड है इनके, वाइल्ड की स्क्वाड भी आते हुए सेम जगह पर, वाइल्ड की स्क्वाड बसड़ हो जाएगी अभी यहाँ पर बहुत। TPP लेते हुए चार है बंदे स्पॉट करना, अब्दुल को भी डैमेज पड़ा है, फिनिश करते हुए नॉक हो गए है, फिनिश कर दिया जुबुश्री को। रेट के बंदे अभी भी नॉक पड़े हैं, ओपन में पुश करते हुए, तकलीफ हो सकती है इनके लिए। फेट के भी बंदे नॉक होते हुए, एक ही प्लेयर बचा है शायद,
नॉक होते हुए बहुत ही प्यारा फेट के डिवाइन के द्वारा फिनिश कर दिया अब्दुल को, और ये वाइल्ड अमन को फिनिश कर दिया एपेक्स क्रेटोस ने। बहुत ही प्यारा एपेक्स क्रेटोस के द्वारा बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया इन्होंने इन दोनों टीमों के फाइट का। रेज रैम्बो नॉक होते हुए जेठालाल के द्वारा, क्लाउन ओपी ने भी नॉक कर लिया मिस्टर डूम को, आयर डेक्स्टर ने नॉक कर लिया इंसेन ऋषभ को, आयर वेलक ने नॉक कर दिया जुबजुब पीएम को। टीपी पी लेते हुए नक्सलाइट के प्लेयर्स भी ये भी आ चुके हैं यहाँ पर। वाइल्ड के आदित्य भी नॉक हो चुके हैं फिनिश करते हुए जुबजुब पीएम को, फिनिश कर दिया वाइल्ड के आदित्य को। अकेले बचे टीएनटी रियाज शायद लेते हुए शेक के अंदर, इनके सामने पूरा आयर का स्क्वाड है लेकिन बहुत ही प्यारा प्रदर्शन इनके मिनी 14 के टाइप्स का आप देख सकते हो दोनों टीम। और ये दरवाज़ा तोड़ दिया है शायद गोली चलाते चलाते, वेट के प्लेयर्स को पता नहीं, टीम आयर के प्लेयर्स को पता नहीं है कि एक ही बंदा है वहाँ पर चार ऐसे फिनिश करने का। आनंद ने भी नॉक कर लिया है नेट से फेट के डिवाइन को, अब एक ही बंदा बचा है शायद टीएनटी रियाज जो कि फेट का है। सिक्स एक्स लगा के रखा है आयर वेलक ने, एम करके रखा है, जैसे ही स्पॉट करेंगे वो चाहेंगे इसे फिनिश करने का। ये देख रहे कि थर्ड पार्टी ना हो जाए पीछे से। वाइल्ड का स्क्वाड अभी भी होल्ड करते हो अपार्टमेंट्स में, आप देख सकते हो तीन टीम है अपार्टमेंट्स में, फाइट हो सकती है यहाँ पर। होल्ड करते हुए अपार्टमेंट्स में रश करना एक बहुत बेकार डिसीजन होगा क्योंकि चारों कोनों में बंदे कैम कर सकते हैं। स्प्रे गॉड आ चुके हैं घुसते हुए अपार्टमेंट्स में, जेठालाल का स्क्वाड, इनके सामने और एक टीम है मूव करते हुए, ये इनके ऊपर शायद कोई नहीं है। सामने वाले अपार्टमेंट में वाइल्ड का स्क्वाड है, नेट करते हुए प्रिकॉशन के लिए, इनके ऊपर ही एक स्क्वाड है नेट करते हुए, और नॉक हो गए है सोल फ्राइटर के नेट के द्वारा। ईएस वेजिटो पुश करते हुए, सोल फ्राइटर के बंदों ने पुश कर दिया और रिवाइव मिल जाएगा अभी ईएस वेजिटो को आराम से। अभी भी ऊपर ही है, पूरी तरह से पुश नहीं किया था सोल फ्राइटर के बंदों ने, अब वो ऊपर ही है होल्ड कर रहे हैं। और लेग्जन ट्रॉय भी आते हुए टीम नंबर 19 के प्लेयर नीचे, ये भी नेड कुक करते हुए, इनके राइट साइड में स्क्वाड है, इन्हें पता नहीं डैमेज पड़ सकता है डैमेज, नेड करते हुए पर कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सारे ऊपर वाले फ्लोर्स में बंदे हैं। ये जेठालाल को शायद स्पॉट कर लिया उन्होंने, का फाइट हो चुका टीम नंबर 23 के साथ, नॉक कर दिया है आईएनडी मार्टिन ने, बहुत ही प्यारा शॉट शुभम को दिया है। और जेठालाल ने भी नॉक फिनिश कर दिया शायद लेग्जिन ट्रॉय को। आयर एक प्लेयर सब स्पॉट करना चाह रहे हैं लेकिन वो बंदा शैक से निकल चुका है शायद टीएनटी रियास, नेड करते हुए आईएनडी मार्टिन ने फिनिश कर लिया एक बंदे को, लूटते हुए अब लूट की बहुत कमी होगी इनके पास, इनके सामने दो स्क्वाड है और ये फिर से स्पॉन आइलैंड आ गए थे थोड़ी देर के लिए। मिस्टर फिनिक्स ने नॉक कर लिया डेडबॉट नोवा को, और स्प्रे गॉड फिनिश होते हुए शनाया के स्क्वाड ने फिनिश कर दिया, जेठालाल को भी फिनिश करते हुए, ईएस वेजिटो को भी फिनिश कर दिया, जेठालाल की पूरी स्क्वाड फिनिश होते हुए, क्लाउन ओपी भी ख़त्म हो गए। मिस्टर फिनिक्स ने भी नॉक कर लिया नक्सलाइट के अतुल को, आप देख सकते हो जोन के अंदर तीन ही टीम है जोन के अंदर, बाकी टीम जोन के बाहर है, सब चाहेंगे अब जोन के अंदर मूव करना। आयर का डेक्स्टर ने नॉक कर लिया डार्क लॉर्ड को फिनिश करते हुए डीपी के द्वारा, बहुत ही प्यारा प्रदर्शन डीपी के द्वारा।
मिस्टियो ने नॉक कर लिया मिस्टर डूम को फिनिश करते हुए। CF4 वाइपर को भी नॉक कर चुके। रेज रैम्बो ने डार्क निक को नॉक किया। रेज नकुल ने RDX रॉकेट को फिनिश करते हुए। मिस्टियो ने भी फिनिश कर दिया मिस्टर डूम को। C4 वाइपर को भी फिनिश करते हुए। डार्क स्क्वाड ने पूरे ख़त्म कर चुके हैं रेज की स्क्वाड को। बहुत ही प्यारा गेम प्ले डार्क स्क्वाड का। अब इनके प्लेयर्स की हेल्थ कम, अब चाहेंगे हील करना। अब फुल बूस्ट करेंगे डार्क स्क्वाड। इन्होंने बहुत प्यारा फिनिश किया एक स्क्वाड को। अब चाहेंगे पूरी हेल्थ करके जोन के अंदर मूव करना चाहेंगे। टीम नंबर 23 के एक बंदे इनके सामने ही है। टीम नंबर 22 के आर के प्लेयर्स के प्रॉब्लम दे सकते हैं आर के प्लेयर्स को। राइट साइड में ही नीचे है, पत्थर पे होल्ड किया है। स्पॉट नहीं किया अभी तक। डैमेज पड़ते हैं एंडी मार्टिन को, फिर भी घूम ही रहे हैं। अब चाहेंगे हेल्प करना पड़ा बट मेडिकेट लगाते हुए, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। सक्सेसफुली एक सेकंड के लिए बचते हुए एंडी मार्टिन, नहीं तो नॉक हो जाते जोन के बाहर ही। इनके भी तीन ही बंदे बचे हैं आर के प्लेयर्स के। डार्क नकुल ने और एक बंदा नॉक कर लिया है, इडली वड़ा। डार्क निक ने फिनिश कर दिया इडली वड़ा को। टीम आइना का स्क्वाड भी होल्ड करते हुए शैक पे गाड़ी का कवर बनाया है। डार्क के प्लेयर्स भी मूव कर रहे हैं जोन के सेंटर की ओर। होल्ड करेंगे शायद अच्छे सी जगह पे। जोन आते हुए फिर से 200 मीटर दूर है जोन के। संदीप 2620 ने नॉक कर लिया। आनंदू ने भी नॉक कर लिया। आप देख सकते हो गाइस, आनंदू ने कब से इनका नाम किल फील्ड में आ रहा है। मैं थक गया हूँ इनका नाम लेके। इनके द्वारा एक बहुत ही प्यारा प्रदर्शन आज। मैं देखना चाहूँगा इनके कितने किल्स है। इन्होंने बहुत टाइम से नॉक करते आ रहे, फिनिश करते आ रहे बंदों को। डार्क निक ने भी नॉक कर लिया आर के ब्रॉली को। चाहेंगे फिनिश करना। इनके नीचे टीम नंबर 20 के बंदे डार्क के, चारों बंदे जिंदा है डार्क के। ये बहुत एडवांटेज होगा लास्ट जोन में। हेल्थ लगाते हुए स्मोक कर दे, पूरा स्मोक कर दिया है। शनाया ने भी नॉक कर लिया M24 के द्वारा मिस्टर फिनिक्स को। चाहेंगे अब फिनिश करना। K9 चलाते हुए रिवाइव देंगे आनंदू ने। बहुत ही प्यारा शॉट था। ये सो टॉक्सिक ने भी नॉक कर लिया आयर के डेक्स्टर को। रेक्ट के साइक्लॉप्स ने नॉक फिनिश किया आयर के वेलैक को। और ये मूव करते हुए जोन, चाहेंगे जोन के अंदर मूव करना है। जोन के बाहर ही है, इनके सामने नॉक है। आयर के डेक्स्टर भी नॉक पड़े हैं। एक ही प्लेयर बचा है एंडी मार्टिन। फर्स्ट एड लगाते हुए स्मोक कर दिया इन्होंने चारों दिशाओं। चाहेंगे स्मोक करना, चाहेंगे रिवाइव देना। इन्होंने विजन ब्लॉक कर लिया सामने वाली टीम का, लेकिन नेड आ सकता है कभी भी और इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इनके भी दो ही प्लेयर जब पुश कर दिया है बंदों ने। सिद्धेश बुतकर को भी रिवाइव मिलते हुए फिनिश होते हुए आर के डेक्स्टर। आर के स्क्वाड फिनिश हो गई है। टीम आना के बंदे भी स्पॉट करना चाह रहे हैं। गाड़ी का एकदम अच्छा कवर लगाया है। वाइल्ड के गोवान का स्प्रे देते हुए डार्क स्क्वाड को प्रॉब्लम आ सकता है। डार्क स्क्वाड को इनके सामने टीम आइना का भी स्क्वाड है। एंडी मार्टिन ने भी नॉक कर लिया। PSO टॉक्सिक को नॉक होते हुए रेक्ट साइक्लॉप्स के द्वारा। एंडी मार्टिन भी फिनिश हो चुका है शायद आया का स्क्वाड। वाइल्ड गोवान ने भी नॉक कर लिया मिस्टियो को। आइना संदीप भी नॉक करते हुए बंदों को। आनंदू ने फिर से एक नॉक निकाल लिया डार्क के प्लेयर्स पे। अब एक ही बंदा बचा है डार्क का निक। इन्हें सब बहुत जगह से डैमेज पड़ते हुए। आइना के संदीप अब कवर में आएंगे। इनके एक बंदे को रिवाइव मिलते हुए, एट्रिस को रिवाइव मिलते हैं। आनंदू देख सकते हो आप कब से नॉक पे नॉक निकाले जा रहे हैं। एपेक्स कटोस भी, उनकी टीम के प्लेयर वो भी निकाले जा रहे हैं नॉक्स। शनाया नॉक होते हुए, चाहेंगे इन्हें रिवाइव मिलना। वाइल्ड के गोवन अब आते हुए रिवाइव देने को। इन्हें सक्सेसफुली रिवाइव मिल जाएगा, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही प्यारा गेम प्ले देखने को मिल रहा है। संदीप भी नॉक हो चुके हैं, चाहेंगे रिवाइव मिले। स्मोक करते हुए एट्रियस ओपन में आ चुके हैं। अब जोन के बाहर है, अनफॉर्चुनेटली जोन इन पर नहीं बना है।
डार का एक प्लेयर अभी भी एकदम सर्वाइव करते हुए आईआर के प्लेयर्स ने पुश कर दिया, लेकिन डार के प्लेयर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। आईआर के दो या तीन बंदों ने एक साथ पुश कर लिया। शना ने नॉक कर लिया ब्रॉली को, एपेक्स रेटोस ने गोहान को नॉक कर दिया है, संदीप ने भी नॉक कर दिया आईआर के हाइड्रा को, एपेक्स रेटोस ने फिनिश कर दिया वाइल्ड के गोहान को, आनंदू ने भी फिनिश किया आईआर के हाइड्रा को, रेट्रो स्कॉर्केज ने भी फिनिश कर दिया शनाया को, शनाया के स्कॉर भी फिनिश होते हुए। आईना के संदीप भी मूव करते हुए जोन में, थर्ड पार्टी हो रहे हैं हर जगह से गोली पड़ते हुए, लेफ्ट साइड में भी स्क्वाड है, सामने भी स्क्वाड है, बैंडेज अप्लाई करते हुए अब जोन के अंदर मूव कर रहे हैं, आनंदू का स्क्वाड भी डैमेज देते हुए बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और संदीप भी अपने लिए अब कवर बनाते हुए गाड़ी को पूरा बस करेंगे, अब ये इनके लिए कवर बन सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड से ओपन है अभी भी, तो उस साइड के लिए उन्होंने स्मोक कर दिया है, लेकिन डैमेज पड़ते हुए फिर भी स्मोक के थ्रू गोली मारते हुए बंदे, टीम आईआर का स्क्वाड है जो M24 चलाते हुए बहुत ही प्यारा नॉक। सिद्धेश बुतकर को अब चाहे रिवाइव मिलेगा या नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि दोनों साइड से स्क्वाड़े गोली मारते हुए, एड्रेस भी ओपन में आते हुए वो भी नॉक हो गए है ऑक के द्वारा, फिनिश करते हुए सिद्धेश बुतकर को रेट्रो स्कॉर्ज बैरली सर्वाइव करते हुए संदीप, एड्रेस नॉक पड़े और रिवाइव नहीं दे सकते उन्हें, बैंडेज लगाते हुए आयना के संदीप ने दोनों साइड से गोलियां पड़ते हुए, एट्रियस की वजह से स्पॉट हो जाएंगे संदीप भी, और ये आयर के प्रयत्न ने फ्लैंक मारते हुए राइट साइड लेफ्ट साइड से संदीप ने बहुत डैमेज दिया उन्हें, संदीप को भी दोनों साइड से पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते अब, स्ट्रक हो चुके इस सिचुएशन में। आनंद ने फिनिश करते हुए एट्रियस को फिनिश कर दिया है आनंदू ने, टीम हाइना के संदीप को, अब दो स्क्वाड बची है, 3v3 फाइट देखने को हमें मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा गाइस। और फटी हुई गाड़ी उसमें से धुआं निकल रहा है, उसका कवर बनाएंगे, बहुत ही प्यारा कवर। आयर के प्लेयर्स भी जोन में, आनंदू के टीम भी जोन में आते हुए, दोनों के बीच में फाइट हो सकता है, देखेंगे अब ये कौन मैच निकालेगा, ये 3v3 फाइट इक्वल फाइट नेड करते हुए रेट्रो का प्लेयर नेड करते हुए, पर ये नेट शायद कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि नेट राइट हैंड साइड में फेंका उन्होंने, डैमेज पड़ते हुए नेड का, सामने वाली स्क्वाड भी नेड करते हुए बैंडेज अप्लाई करते हुए फिनिश हो गया आयर के ब्रॉली, कार बस होने की वजह से मूव करते हुए रेट्रो के प्लेयर और नॉक कर दे एपेक्स क्रेटोस को, बहुत ही प्यारा नॉक, लेकिन इनके एक बंदे खो चुके हैं और खुद पर नेड कर दिया है, आगे मूव करते हुए डैमेज बड़ा खुद के नेड का, प्रॉब्लम हो सकती है इनके लिए ही बहुत। रिवाइव मिल चुका है उस आनंदू के एक प्लेयर को जो कि नॉक हुए थे, अब 3v2 का सिचुएशन है, क्या आईआर की स्क्वाड निकाल पाएगी, डेथ और स्क्वाड बचे हैं, नॉक करते हैं मिस्टर फिनिश को और एक बंदा नॉक करते हुए, आनंदू ने भी नॉक कर लिया है, अब अकेले ब्रैत बाकी है, फिनिश करते हुए बहुत ही प्यारा गेम प्ले आईआर के टीम के द्वारा, और चिकन निकाल दिया है आयर की टीम ने 5 किल्स के साथ, चिकन डिनर आयर के प्लेयर्स गाइस, बहुत ही प्यारा गेम प्ले, लास्ट में जो 1v3 निकाला ब्रैत ने बहुत ही प्यारा था, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये बोलने से पहले हम किल लीडर देखेंगे,
और हम चाहेंगे कि कैमरामैन हमें किल लीडर्स दिखाए, हम उनकी पगार नहीं काटेंगे गाइस। फिर वो एक ही स्क्रीन ला के देते हैं, किल लीडर्स आएंगे कि नहीं आज के दिन। आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे आनंदू का स्क्वाड है जिन्होंने बहुत प्यारा प्रदर्शन, आनंदू के 12 किल्स, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा गेम प्ले आनंदू के द्वारा। एपेक्स क्रेटोस के भी 4 किल्स है, मिस्टर फिनिक्स के भी 3 किल्स है। और एमवीपी पर आते हैं तो आईआर के रैथ एमवीपी है जिन्होंने 2 किल्स निकाले हैं, बहुत ही प्यारा गेम प्ले। और मोस्ट स्क्वाड किल्स 19 किल्स है आनंदू की टीम के, बहुत ही प्यारा गेम प्ले। इसमें से तो 12 किल आनंदू के, या किल लीडर्स पाते हुए आनंदू के 12 किल्स, डार्क के नकुल के भी 5 किल्स, आयर के टेक्सचर के भी 5 किल्स। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी ऐसी और कस्टम रूम की वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और अगर आप भी खेलना चाहते हो तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कर दो या फिर देखो तो सही वीडियो को पूरा।